गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारे कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो वीडियो है हमारा रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा। हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में कितनी टोटल सीट्स हैं, उनमें से कितनी सीट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती हैं, स्टेट्स के पास कितनी बचती हैं। अगर आपने कट ऑफ वाला वीडियो देखा होगा सेम कॉलेज के लिए तो आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था कि कॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। इस टॉपिक पर तो आपको वीडियो सुभाष सर ने बनाया था और उसमें आपको बताया था कि कैसा कॉलेज है, कितना सीट है और कट ऑफ क्या होगा। उसके साथ साथ आपको ये पता चला होगा कि आपको ये कॉलेज में जो एक्सपीरियंस है वो कितना गेन करने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अपना गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको चूज़ किस क्राइटेरिया को माइंड में रख के करना होता है और उन क्राइटेरिया में छत्तीसगढ़ के सारे मेडिकल कॉलेजेस बिल्कुल फिट बैठते हैं और रायगढ़ का कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। सिर्फ सीट के नंबर जो हैं थोड़े कम हैं, इवन जो नए कॉलेजेस बन रहे हैं उनमें ज़्यादा सीट है, इनमें कम सीट है, तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रही है। और ऐसा माना जाता है कि नए कॉलेजेस के बजाय अगर इसमें सीट बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम ये होप कर सकते हैं कि अगले साल महासमुंद, कोरबा, चंदूलाल चंद्राकर के साथ साथ रायगढ़ की सीट भी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने की भी बात की जा रही है। तो अगले साल आपको लगभग 350 के आसपास एक्स्ट्रा सीट्स देखने को मिल सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोग बात तो कर रहे हैं इस साल को लेके, 2021 को लेके। 2021 में रायगढ़ के पास जो टोटल सीट्स हैं वो है 60 सीट्स हैं। पहले 50 हुआ करती थी, 10 सीट बढ़ा दी गई है। इसमें से ऑल इंडिया कोटा जो है 15% होता है। अगर 60 का 15% निकाले तो 9 होता है, ठीक है। सेंट्रल नॉमिनी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेंट्रल नॉमिनी क्या होते हैं। ऐसे जो छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ के बच्चे अपने स्टेट कोटा को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो उनके लिए पूरे इंडिया के हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व्ड होती है ताकि वो अपने छोटे से राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर किसी और राज्य में भी आसानी से पढ़ सकें। तो उनके लिए 3% सीट होती है, उसके साथ साथ ऑल इंडिया कोटा भी फ्री होता है। तो एक सीट जो है इस कॉलेज में अवेलेबल है अगर कोई ऐसे राज्य से आता है जो सेंट्रल नॉमिनी के अंदर आएगा। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने बनाया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन होता है। 10% के रिजर्वेशन 60 का 10% 6, टोटल जो 16 सीट्स हैं वो चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे पास बच जाती है 44, यानी कि स्टेट के बच्चे इन 44 सीटों पर अपना दावा रख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो 16 सीट्स चली गई हैं इसमें भी छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, बट वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड पे होता है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप सीधा सीधा इन 44 सीट पर थोड़ा सा फोकस करिए और देखिए कि यहाँ पर आपको मिल रहा है 44 सीट जिसको अब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। इन 44 सीट में से अनरिजर्व्ड होती हैं वो 20 होती हैं। हर बार जो जनरल सीट होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें सबके सब एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 सीट है, लेकिन स्पेशल ST के लिए जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ होती हैं उनके लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। अगर उनको लेना है एडमिशन तो ये 13 सीट्स पर ही अपना एडमिशन वो ले पाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीट्स अवेलेबल होंगी, 5 टोटल सीट्स हैं। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास 14% रिजर्वेशन है, OBC के लिए 6 सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो अब क्या देखने को मिल रहा है अपने को कि अनरिजर्व में 20, ST के लिए 13, स्पेशल के लिए कोई नहीं, SC के लिए 5, OBC के लिए 6 सीट और इस प्रकार से 44 सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से समझ सकते हैं कि आप कितने सीट के लिए अवेलेबल होंगे और क्या आपके मार्क्स इतने रैंक तक आ सकते हैं। अगर इसके पहले के अगर कॉलेजेस को देखें, आप एक एक कॉलेज को नापते हुए समझ सकते हैं कि मेरा जो रैंक आया है वो 50 आया है और जो PTJNM कॉलेज है वहाँ पे मेरे लिए अगर मान लीजिए 40 सीट है तो मतलब मुझे वो नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो मैं दूसरे कॉलेज को प्रिफर कर लूँ, है ना। तो यही आप माइंड पर रख के चलिए। वैसे ज़रूरी नहीं है कि 40 सीट्स हैं तो 40 की 40 भर जाएं किसी मेडिकल कॉलेज में। जनरली ऐसा होता है कि वो रैंक जो होती है उससे ज़्यादा लोग प्रेफरेंस किसको ज़्यादा देते हैं वो डिपेंड करता है। आप अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज को चूज़ करिएगा। हम लोग कट ऑफ को लेकर वीडियो बना चुके हैं, अब हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको समझा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अगले जो सीरीज़ होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आपको करना होता है काउंसिलिंग में, क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो वो तो रही दूसरी बात। अब इन रिजर्व्ड सीट में से कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, कुछ फीमेल के लिए रिजर्व है, कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, कुछ भूतपूर्व सैनिक के लिए और कुछ एक्स फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, और उन्हीं के बारे में हम समझेंगे जिनको हम बोलते हैं सब क्लास। तो अगर अनरिजर्व्ड को देखें, अब आप कैसे पढ़ेंगे, आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड को देखते हैं तो उसमें से जो ओपन सीट है जो कि जनरल कैटेगरी की फीमेल मेल या कोई भी इंसान ऑक्यूपाई कर सकता है तो वो 13 सीट है। फीमेल्स के लिए स्पेशली जनरल कैटेगरी की 6 फीमेल 6 लड़कियों को ये सीट मिलेगी। फीमेल के लिए 6 सीट जो है वो रिजर्व्ड है। इसके साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी है अगर कोई तो उसके लिए 1 सीट रिजर्व है जनरल कैटेगरी का पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें अगर कोई जनरल कैटेगरी से नहीं है और एसटी वाला कोई जनरल से फॉर्म भर लेता तो उसको भी ये मिल जाएगा। कास्ट से कोई इसका लेना देना नहीं होता, आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अगर आप रिजर्व्ड हैं तो। जनरल में जिनका कास्ट आ जाता है वो तो जनरल में ही भरते हैं, अदरवाइज ये जो कास्ट सिस्टम में जो शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं वो जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 1 सीट उनको मिल जाएगी। सैनिक और फ्रीडम फाइटर के लिए इस कॉलेज में कोई भी सीट रिजर्व्ड नहीं है, है ना। एडमिशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, बट रिजर्व्ड नहीं है कि ये आपके लिए फिक्स हो गया। तो इस पूरे सेक्शन में आप देख सकते हैं किसी के लिए भी, सैनिक के लिए और फ्रीडम फाइटर, FF मतलब फ्रीडम फाइटर के लिए सीट रिजर्व नहीं है। ST के लिए अगर हम बात करें 13 सीट टोटल है जिसमें से 10 ओपन है और 3 जो है फीमेल के लिए। क्योंकि स्पेशल ST का कुछ नहीं है तो हमको बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीट ही नहीं है। SC शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 5 सीट है जिसमें से 4 ओपन है और 1 सिर्फ फीमेल होगी, और बाकी के 4 में भी फीमेल हो सकती है लेकिन मिनिमम 1 फीमेल होगी। इसके बाद OBC के लिए 6 सीट है जिसमें से 5 जो है ओपन है और 1 मिनिमम फीमेल OBC कैटेगरी की इस कॉलेज में आपके क्लास में होगी। तो क्या हो जाएगा टोटल अगर देखें, 6, 3, 9, 9, 2 और 11, इन 44 में से 11 जो सीट्स होंगी वो किसी फीमेल कैंडिडेट को ही अलॉट होंगी, ठीक है। और ये रिजर्व जो है मॉपअप राउंड तक चलता है। तो अब अगर देखें तो आपको शायद समझ में आ जाए कि टोटल कितनी सीट्स हैं और एक एक कैटेगरी के लिए और एक एक सब कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स डिवाइडेड है। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूँ। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप वो कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, हर कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। आप प्लीज़ लाइक करिए और अपना जो ये साथ है, आप जो सपोर्ट हमें कर रहे हैं और जो आप व्यूज़ को लेके अपना सपोर्ट हमें देते जा रहे हैं कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे।